नाबालिग से निकल रहे अखिलेश के काफिले को समर्थकों ने रुकवाया। भाजपा समर्थकों द्वारा फर्जी वोट डालने का समर्थकों ने लगाया आरोप। विधायक द्वारा सिपाहियों को हड़काने का भी आरोप। लोकसभा चुनाव के हो रहे मतदान का निरीक्षण करने निकले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले को सैकड़ों कार्यकर्ता ने सौरिक में रोक लिया और भाजपा विधायक द्वारा पुलिस के सिपाहियों को हड़काए जाने और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी मतदान डालने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव हो रहे मतदान को लेकर कस्बे में थाना रोड स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सुबह भाजपा समर्थन द्वारा विधायक से पुलिस सिपाहियों द्वारा हड़काए जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर मौके पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश राजपूत ने सिपाहियों के मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं दोपहर के समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निकलने की सूचना मिली, जिस पर नादे मऊ चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और पूर्व मुख्यमंत्री के निकल रहे काफिले को रोक लिया और विधायक द्वारा पुलिस के सिपाहियों को हड़काए जाने एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी वोट डाले जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत करने लगे, जिस पर थाना रोड स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र के बाहर अखिलेश यादव ने अपना काफिला मोड़ दिया। ड्यूटी कर रहे आजमगढ़ से आए सिपाही उमेश यादव को बुलाकर मामले की जानकारी ली। सैकड़ों की संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी, आप लोग अपना शांति से वोट डालिएगा, जिस पर आक्रोशित कार्यकर्ता शांत हुए। बाद में अखिलेश यादव का काफिला शिबरामऊ की तरफ चला गया।